राजस्थान की मरु नगरी के नाम से विख्यात बीकानेर में इन्वेस्ट बीकानेर समिट का आयोजन 12 जनवरी को किया जा रहा है। इस दौरान 15,000 करोड़ रुपए के 120 एमओयू और लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए इसका आयोजन बीकानेर में इस बार 2 पारियों में किया जा रहा है। बीकानेर के जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने तथा निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन्वेस्ट बीकानेर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 115 करोड़ रूपये के 84 एमओयू और 4,336 करोड़ के 36 एलओएल पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। एमओयू के बाद बीकानेर के 2,147 लोगों को रोजगार मिलना तय नजर आ रहा है। जिले में सबसे बड़ा निवेश सोलर में होगा। इस क्षेत्र में लगभग 940 करोड़ रुपए का निवेश होना तय है। इस दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता से खास बातचीत की बीकानेर के एवन टीवी संवाददाता के सिंह ने। बीकानेर इन्वेस्ट मीट का आयोजन बीकानेर में हो रहा है। देश भर से तमाम तरह के व्यापारी कह सकते हैं, उद्योगपति कह सकते हैं, बीकानेर आने वाले हैं। क्या है, हमारे साथ बीकानेर के जिला कलेक्टर मौजूद हैं अमित मेहता। अमित मेहता जी बताएं क्या कहेंगे। देखिए, जो इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम है बीकानेर का, वो 12 जनवरी को लक्ष्मी निवास पैलेस होटल में रखा गया है। इसके अंतर्गत हम लगभग 120 लोगों के साथ एमओयूज और एलओआईज करेंगे, जिसमें एमओयू की जो अमाउंट है वो करीबन 10,000 करोड़ के उद्योगों की है और एलओआई की लगभग 5,000 करोड़ की। इन सारे उद्योगों से लगभग 20,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। ये वो एमओयू एलओआई है जो हम जिला स्तर पर कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे एमओयू एलओआई राज्य सरकार स्तर पर भी बीकानेर के संबंध में किए गए। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में, 2-3 वर्षों में जब ये सारे उद्योग लग के तैयार होंगे तो कितना अधिक मात्रा में तो इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे यहाँ की इकोनॉमी को बहुत मजबूती मिलेगी। साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो लोकल जो हमारे लोग हैं उनके लिए बहुत सारे एवेन्यूज होंगे। तो इस समिट से जो ओवरऑल इंडस्ट्री का जो पूरा माहौल है वो इम्प्रूव होगा, इंडस्ट्री को, उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिलेगा और इकोनॉमी जो हमारे क्षेत्र की वो आगे बढ़ेगी। कोरोना को देखते हुए क्या व्यवस्था रहेगी आपकी इस समिट को लेकर? देखिए, कोरोना में अभी 50 की गाइडलाइन आ चुकी है किसी भी आयोजन के लिए, तो उसकी पालना करते हुए हमने इसको 2 शिफ्ट में किया है। हमारे लगभग 110 लोग हैं जिनके साथ ये मूवीज हुई है, तो हमने 50-55 लोगों को फर्स्ट हाफ में बुलाया, 50 लोगों को सेकंड हाफ में बुलाया, ताकि कोई बिल्कुल भी भीड़ भाड़ ना हो सके। और हमने इसको एक खुले उसमें किया है, तो ये हमारा कोई बंद हॉल में कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो खुले में ओपन में किया, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करेंगे। और ये तो हमारी बेसिक जिम्मेदारी जवाबदारी है कि हमें कोविड गाइडलाइंस की पूरी पालना सुनिश्चित करें। तो देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर में बड़ा एक तरह से कहा जा सकता है काम होने वाला है बीकानेर समिट में। खास तौर पर सैकड़ों लोग यहां पर पहुंचेंगे। कोरोना की तमाम गाइडलाइन को देखते हुए यहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। करोड़ों रुपए के जो है इन्वेस्ट है वो कहा जा सकता है यहां पर। के सिंह, एवन टीवी।